नमस्ते दोस्तों, श्याम रसोई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना डीप फ्राई किए हुए हरा भरा कबाब। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है बिना डीप फ्राई किए हुए भी। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरा भरा कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में एक गिलास पानी गर्म होने के लिए रखा है। यहाँ मैंने एक पंच पालक को अच्छे से 3-4 बार पानी से वॉश कर लिया था। इसे हम उबाल लेंगे 2 मिनट के लिए। तो हम पालक को अच्छे से उबाल लेते हैं हाई फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। तो ये हमारा पालक बॉयल हो चुका है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हम इसे बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेसिंग वहीं रुक जाए और पालक का कलर भी अच्छा बना रहे। अब हम अच्छे से स्क्वीज करके इसका पानी निकाल देंगे ताकि पालक में बिल्कुल भी पानी ना रहे, और इसे साइड में रखेंगे। अब हम उसी पैन में एक टेबल स्पून तेल लेंगे। यहाँ मैंने 2 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक कट करके लिया है और साथ ही 2 हरी मिर्च को कट करके लिया है। 5 से 6 लहसुन की कली है। इन सभी को हम हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 3/4 कप के करीब बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसे भी हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हम सभी सब्जियों को हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अब मैं यहाँ 1/2 कप के करीब बीन्स ले रही हूँ बारीक कटा हुआ, साथ ही 3/4 कप के करीब फ्रेश मटर ले रही हूँ। सभी सब्जियों को हम 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, सभी सब्जियाँ फ्राई हो गई हैं। हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। सब्जियाँ ठंडी हो गई है तो हम इन्हें एक मिक्सर के जार में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें पालक भी ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल किया था, और पीस कर हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमें मिक्सर में पीसते टाइम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। अब मैं यहाँ 1/2 कप के करीब क्रम्बल किया हुआ पनीर ऐड कर रही हूँ। पनीर की मात्रा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 से 4 बॉयल और मैश किए हुए आलू लिए हैं। साथ ही हम इसमें 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं कर रही हूँ, पर यदि आप डीप फ्राई करें तो 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ब्रेड क्रम्स हम ज़रूरत के अनुसार और भी ऐड कर सकते हैं यदि हमें मिक्सर गीला लगता है तो। मैं यहाँ 2-3 चम्मच ब्रेड क्रम्स और ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर देंगे इसे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और चाट मसाला लिया है। सभी को इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मैं यहाँ 1/2 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैं हाथों की सहायता से इसे मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स होगा। तो हमने मिक्स कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्स और कुछ काजू के टुकड़े रखे हैं। हाथों पर तेल लगा देंगे और अपनी पसंद के अनुसार हम इसकी छोटी बड़ी टिक्की बना सकते हैं। यदि आप डीप फ्राई करें तो थोड़ी छोटी टिक्की बनाइए। ये देखिए, मैंने एक टिक्की बना ली है। तो हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे अच्छे से। और अब मैं इस पर काजू लगा देती हूँ। तो ये हमारा एक कबाब रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। ये देखिए, तो ये मैंने कुछ तैयार किए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने की प्रोसेसिंग पर चलते हैं। यहाँ मैंने एक तवा लिया है जिस पर हम तेल डाल देंगे और एक एक करके सारे कबाब इस पर रख देंगे और लो फ्लेम पर हम इन्हें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत अच्छा कलर आया है। तो फ्रेंड्स, ये हेल्दी तरीका हो जाता है अगर हम इसे डीप फ्राई नहीं करते हैं, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं जिसे मैंने सॉस और हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।